सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कवलजीत, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं देन प्लीज मेरा वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। और हाँ, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छी अच्छी नॉलेज मिल सके। और दिख रहे हैं, और अभी तक आपने पेटीएम इंस्टॉल नहीं किया देन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक मिल जाएगा पेटीएम इंस्टॉल करने का, वहां से आप क्लिक करके पेटीएम को इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। और आपने अगर पेटीएम इंस्टॉल किया है बट केवाईसी नहीं कम्प्लीट की या आपने रजिस्टर्ड नहीं किया अपने आपको, देन आप उसको अनइंस्टॉल करके मेरे दिए गए लिंक से आप इंस्टॉल कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिससे आपको रेफर एंड अर्न का बेनिफिट मिल सके, आपको कुछ एक्स्ट्रा कैशबैक या कुछ एक्स्ट्रा ऑफर का बेनिफिट आपको मिल सकता है। सो मेरे लिंक से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसका जो आपने फोन पे इंस्टॉल किया हुआ है बट रजिस्टर्ड नहीं है देन उसको अनइंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आप रजिस्टर्ड हैं देन आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा अनइंस्टॉल, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और जिन्होंने इंस्टॉल किया है बट रजिस्टर्ड नहीं है, केवाईसी नहीं कंप्लीट किया, सिर्फ वही अनइंस्टॉल करके मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से इंस्टॉल करेंगे और उनको कुछ एक्स्ट्रा कैशबैक या एक्स्ट्रा ऑफर का बेनिफिट मिल जाएगा। सो मैं यही बोलूंगा कि आपको मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, उस पर आप क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से कैसे आप लोन का ईएमआई पे कर सकते हैं। सो लेट्स वी गो ऑन टू दैट वीडियो। और आपको सबसे पहले अपना रजिस्टर करने के बाद मेरे दिए गए लिंक से आप रजिस्टर कर लीजिएगा केवाईसी कंप्लीट करके। और अगर आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ है देन आप सिर्फ अपना फोन पेटीएम को ओपन कर लीजिएगा फ़ोन में, और आपको सीधे नीचे आना है। और आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे ऑफर, कितने सारे यहाँ पे है रिचार्ज एंड पे बिल्स पे आप जाएंगे, मोबाइल, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक, गैस सिलेंडर बुक, गैस सिलेंडर, रेंट पेमेंट और क्रेडिट का LIC और LIC इंश्योरेंस हो गया, व्यू ऑल पे आप जाएंगे। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए पे लोन आपको इस पे आ जाना है, पे लोन लिखा होगा ना डोनेट ऑक्सीजन के बगल में, जैसे ही आप पॉपुलर सर्विस पे आते हैं आप देखिएगा पे लोन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे देखिए यहाँ पे कितने सारे बैंक रजिस्टर्ड हैं, आप देख सकते हैं आपका कौन सा है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना लोन उस बैंक में जहाँ से भी जिस फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल कंपनी से आपने लिया हुआ है उसको आप अपना लोन का ईएमआई घर बैठे पेटीएम से के द्वारा आप पे कर सकते हैं। काफ़ी सारे हैं, मैं बताने लगूंगा तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा, मैं आपको दो चार बता देता हूँ। बहुत सारे हैं, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से ऑल इंडिया के सभी फाइनेंशियल लोन फाइनेंस सेक्टर की कंपनीज रजिस्टर्ड है, जहाँ तक मेरे ख्याल से काफ़ी सारी रजिस्टर्ड हैं, मैं एक दो बता देता हूँ आपको। जैसे कि AU स्मॉल फाइनेंस पे आप आते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आप लोन पेमेंट मोड आप सेलेक्ट करेंगे, आपका कैसा लोन है, होम लोन है, लोन EMI पे है या लोन बिजनेस लोन है बिजनेस के लिए या एग्रीकल्चर का आपका लोन है। जैसे कि मैं सपोज आपको मैं एक बताने के लिए बताना चाहता हूँ, EMI लोन कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे EMI लोन EMI पे आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना लोन अकाउंट जो नंबर है उसको फिल करके गेट पेमेंट अमाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कितना EMI है। और सेम प्रोसेस आपको सॉरी बाहर आ गया बिल्कुल, देखिए मैं लोन यहाँ पे आया, अब यहाँ से होम लोन्स पे अगर होता है तो होम लोन्स आप सेलेक्ट करेंगे, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पे एंटर करना है, कस्टमर नेम एंटर करना है, अमाउंट आपका एंटर करना है कितना आपका लोन अमाउंट मतलब होम लोन्स का आप चार्ज कितना पे कर रहे हैं, पेमेंट मोड आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप क्या पेमेंट करना चाहते हैं, और यहाँ से आप सेलेक्ट करके पे कर सकते हैं। और काफ़ी सारे हैं, मैं अगर बताने लग जाऊँगा तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा, जैसे आधार हाउसिंग फाइनेंस हो गया, आवास फाइनेंशियल हो गया, HL हो गया, अदानी कैपिटल हो गया, अदानी हाउसिंग फाइनेंस हो गया,
आदित्य बिरला कैपिटल हो गया, आदित्य बिरला फाइनेंस हो गया, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस हो गया, एओन क्रेडिट हो गया, एगोरा फाइनेंस हो गया, एल्टम हो गया, एनम हो गया, एगोरा हो गया, एल्टम क्रेडिट होम हो गया, एनम एनम काफ़ी सारे हैं, देख सकते हैं, एक्सिस बैंक हो गया। तो आप यहाँ से सीधे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ एक्सिस बैंक का ही, देखिए मैंने एक्सिस बैंक पे एक सेलेक्ट किया, आपको यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आपको लोन नंबर आपको फिल कर देना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, गेट अमाउंट पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका बता देगा कितना आपका अमाउंट अभी पे करना है, तो वो ईएमआई जो है आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, आप उसको पेटीएम से पे कर सकते हैं। तो ये है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और काफ़ी सारे हैं, मैं आपको कैसे बताऊं, आप इतना तो आपको मैंने गाइड कर दिया है, आप अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है कि किसी स्पेशल बैंक का, मतलब किसी स्पेशल फाइनेंस में सेक्टर में, तो आप मेरे को एक बार कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस का है, बजाज फाइनेंस आपको यहाँ पे सीधे लोन पेमेंट मोड लिखेंगे, जो भी आपको लोन पेमेंट मोड है, एडवांस ईएमआई है, ईएमआई ओवर ड्यू हो गया हो आपका, पे नहीं कर पाए, फोर क्लोजर के लिए है, क्लोजिंग का है, पार्ट पेमेंट का है, ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी एडवांस आप ईएमआई पे कर रहे हैं या ईएमआई ओवर ड्यू हो गया, लेट हो रहा है, तो आप वहाँ से सेलेक्ट करके आप पे कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे अगर कोई ईएमआई मतलब लोन को पे कर रहा है तो वो घर बैठे कैसे अपने फ़ोन पे से, फ़ोन के से ही पेटीएम के द्वारा कैसे अपना वो पे कर सकता है, इसके बारे में उन्हें एक आइडिया और गाइड हो जाएगा। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो फ्रेंड्स, आप सबने देख लिया कि आप कैसे पेटीएम से ही अपना लोन का ईएमआई पे कर सकते हैं। बहुत ही मैंने इजीली इजी वे में बताया है। आपको अगर कुछ भी डाउट होता है कि मैं यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, मैं नहीं पे कर पा रहा हूँ, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं देखूंगा कि मैंने क्या चीज़ ऐसा है जो मैंने वीडियो में नहीं बताया आप लोगों को। तो अगर नहीं लगता है मेरे को तो मैं आपको लिए फिर से वीडियो बना दूंगा, या आप किसी ऐप का रिव्यू करवाना चाहते हैं, किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, तो मैं उसके बारे में भी बनाने की कोशिश करूंगा मेरे से जहां तक हो सकेगा। और मैं ये बोलूंगा, वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं देन प्लीज मेरा वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अच्छी एजुकेशन से पेटीएम से रिलेटेड नॉलेज मिल सके। और मेरे कई सारे वीडियोस हैं, गूगल पे कैसे यूज करें, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मेरा वीडियो जरूर देखिएगा चैनल पे जाके। और अच्छा, मुझे अभी बोलूंगा कि आप सेफ्टी गाइडलाइंस का फॉलो कीजिए, जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए सेफ्टी गाइडलाइंस बनाई हैं। मास्क जरूर पहनिए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए, अपने हाथों को वॉश करते रहिए टाइम टू टाइम जब भी बाहर आप जाते हैं, और 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करके सोशल डिस्टेंसिंग अपना मेंटेन रखिए, एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ, जहाँ तक हो सके घर पे रहिए, और बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलिए। एंड लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय।